नमस्कार। पिछले सेशन के अंदर हम स्टडी कर रहे थे आइसोटोप्स के बारे में, और हम वहीं से शुरुआत करेंगे आज अगेन हमारे इस लेक्चर की। और इस छोटे से लेक्चर में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आइसोटोप्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी फिजियोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोटोप्स को अगर हम फिर से डिफाइन करें तो आइसोटोप्स का मीनिंग हमने क्या बताया था, एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो क्या है, सेम है, लेकिन लेकिन क्या भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। इसी को आप दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एटमिक नंबर। एटमिक नंबर क्या है भाई, उसकी सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों मिलकर के जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमिक मास, वो क्या हो गया भाई, डिफरेंट हो गया। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन से आप थोड़ो हैं यहां पर, आप फेमिलियर हैं यहां पर। तो अब हम देखते हैं आइसोटोप्स के कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने, कार्बन आइसोटोप्स के हमने एग्जांपल देखे, जिसमें से नेचुरली फाउंड कार्बन आइसोटोप कौन सा है दोस्तों, कार्बन 14। इसके यूजेज भी हमने पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से। अब देखते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को लेकर के एक टर्म आता है, और क्या आता है, जहां पर भी अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है भाई, रेडिएशंस निकलती रहती हैं। तो वो कभी तो अंत होगा उसका, इसलिए बाय द टाइम वो एलिमेंट कम होता रहता है। तो इसी को लेकर के हम एक टर्म यहां पर पढ़ेंगे, और उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ। अब इसके नाम से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाफ लाइफ बोलते किसको है। देखिए यहां पर एक टर्म लिखा हुआ, शब्द लिखा हुआ लाइफ। लाइफ का मतलब ये किसको इंडिकेट कर रही है, कोई ना कोई तो ये टाइम है, क्या है भैया, कोई ना कोई टाइम है। और हाफ का मतलब आधा, आधा मतलब हाफ, मतलब कोई आधे समय को इंडिकेट कर रहा है। आधा समय कौन सा, अब थोड़ा सा देखिए मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, चीजों को डिफाइन करने का तरीका आप अपने तरीके से ढूंढेंगे, जो हम बहुत इजी तरीके से हम बता दे रहे हैं तभी चीजें आप याद रख पाओगे एग्जाम तक, अदरवाइज हाफ लाइफ की आप डेफिनेशन रटने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव, ड्रग्स के लिए भी यूज करते हैं यहां पर, रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने टाइम में, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जितने टाइम में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ। अब कैसे इसको थोड़ा सा और समझे, मान लीजिए आपके पास में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, कितना 1 ग्राम, ठीक है, इससे रेडिएशंस निकल रही है तो कभी ना कभी ये क्या हो जाएगा भाई, आधा रह जाएगा, मतलब आधा ग्राम रह जाएगा, मतलब 0.5 ग्राम रह जाएगा ये, कभी ना कभी कब रह जाएगा भाई, जितना टाइम ये लेगा, कोई ना कोई टाइम लेगा, जितने टाइम में कोई 1 ग्राम सब्सटेंस आधा ग्राम रह जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ बोलते हैं दोस्तों। इसको लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, और जिस तरीके के ऑप्शंस आते हैं उसको देख रहे हैं आप, इस तरीके से कंफ्यूज जाओगे कि सर ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम याद कर लेंगे, नहीं, चारों ऑप्शंस लगभग एक तरीके के आते हैं। तो हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट या कोई ड्रग आधी रह जाती है, मतलब ये एक तरीके का टाइम है, जितने टाइम में वो चीज आधी रह जाएगी, 1 ग्राम की आधा ग्राम रह गई, 100 ग्राम आपके पास में, और किसकी भाई, उसकी इनिशियल वैल्यू की, मतलब कि आपने कभी भी उठा लीजिए उसको, आपने मान लीजिए कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ये, आपने आज की डेट में इसका वजन देखा, ये कितना वजन दिखा रहा है भाई, इसका 70 ग्राम वजन दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हुआ या कोई ड्रग हुई जिसको हम खाते, मान लीजिए
तो ये कितने टाइम के अंदर ये 35 ग्राम रह जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, हाफ लाइफ बोलते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब आप कहोगे सर क्या क्या चीज पढ़ाने लग गए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्या? दो एग्जाम्पल्स आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, किसके एग्जाम्पल्स भाई, एक तो कार्बन आइसोटोप 14, एक आयोडीन 131 का एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में। कार्बन आइसोटोप 14 की जो हाफ लाइफ है वो 5600 साल है, लगभग 5600 साल, और आयोडीन 131 की जो हाफ लाइफ है वो केवल 8 दिन है, कुछ आर्स भी हो सकते हैं किसी ड्रग की हाफ लाइफ जो है। हम दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के यूजेज को लेकर के यहां पर आयोडीन 131 के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, 8 दिन की हाफ लाइफ को लेकर के। अब इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेडिएशन जिससे भी निकलेंगी उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे बॉडी के ऊपर। अब हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कुछ हार्मफुल हेल्पफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। एक हार्मफुल एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जिससे भी क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस को लेकर के। आपने रेडोन का नाम सुना होगा, इसका क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों जनरल साइंस में DSSSB में, रेडोन 222 क्या चीज है पता होना चाहिए। यूरेनियम का नाम तो आपने सुना होगा भाई, यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, पहली चीज। ये एनी टाइम क्या होता रहता है, ब्रेक डाउन करता रहता है, और इसका एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है रेडोन 222, वो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। यूरेनियम का आपको ध्यान होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करी थी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में, और बड़ा हल्ला मचा था, और रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स लगाने के लिए एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। तो यूरेनियम का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है रेडोन 222, पहली चीज। दूसरी बात, ये रेडोन 222 जो है वो एक्चुअल में क्या है, गैस है। और कैसी गैस है, ना तो इसकी कोई ओडर है ना ही इसका कोई कलर है, और ये क्या होती है भाई, क्या होती रहती है, सोयल से निकलती रहती है, रिसती रहती है, सीपेज होती रहती है इसकी, और बिल्डिंग्स में इकट्ठा हो जाती है। बिल्डिंग्स में क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, अक्यूमुलेट हो जाती है। क्या कोज करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंग कैंसर कोज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर आपके हिसाब से, रेडोन 222 लंग कैंसर कोज करती है। क्या होती है, एक्चुअल में गैस होती है, कहां से बनता है, यूरेनियम 235 का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, ऑर्डरलेस कलरलेस गैस होती है। तो क्या इसका कोई हेल्पफुल यूज भी है क्या, इसको मेडिकल इमेजिंग में काम में लेते हैं दोस्तों। आजकल पता नहीं, इतनी नॉलेज मेरी भी नहीं है भाई कि कहीं काम में आ रही क्या, इसको मेडिकल इमेजिंग में भी काम में लिया जा सकता है, रेडियोथेरेपी में भी काम में लेते थे, डोंट नो कि आज की डेट में काम लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। अब हम 3-4 रेडियोएक्टिव के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, जिनके थेराप्यूटिक यूजेज हैं आज की मेडिकल साइंस में, और वो क्या क्या चीजें हैं, आप डेली लाइफ में उनके नाम सुनते भी हो लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पता नहीं। चारों ऑप्शन एक ही तरीके के आएंगे। क्या है उनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला देखिए दोस्तों यहां पर थेलियम, लेकिन थेलियम क्या, 201। सबसे पहली बात तो ये थेलियम ही याद नहीं रखना आपको, थेलियम 201 एक्यूरेट नाम इसका, ठीक है, जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहां यूज होता है भाई, नाम सुना है दोस्तों आपने किसका, सेम इसी के नाम से थेलियम टेस्ट का नाम सुना है, नाम बताते जाऊंगा आप ध्यान में याद लाते जाइएगा, थेलियम टेस्ट। दूसरा नाम क्या है भाई इसका, थेलियम स्ट्रेस टेस्ट। तीसरा नाम क्या है भाई, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। ध्यान में आ रहे हैं दोस्तों सभी लोगों को ये नाम सारे के सारे, थेलियम टेस्ट, थेलियम स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ये सारे के सारे इसी के नाम, एक ही नाम है। इनमें क्या यूज हो रहा है, थेलियम यूज हो रहा है, थेलियम 201। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, थेलियम स्ट्रेस टेस्ट में कौन सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज होता है,
थेलियम। अब सारे ऑप्शंस में थेलियम ही लिखा हुआ आएगा, पागल थोड़ी ना एग्जामिनर जो कि आपको इतना इजी क्वेश्चन दे देगा कि साहब थेलियम है जी, दूसरा यूरेनियम लिख दिया, रेडोन लिख दिया, नहीं थेलियम ही आएगा, थेलियम 201, 1999, 205 कुछ भी लिख देगा वो, थेलियम 201। आई होप क्लियर है पहला एग्जाम्पल। दूसरी बात भाई किस तरीके से हेल्प करता है ये थेलियम, इस एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के दौरान में हार्ट के थ्रू कितना ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है कौन, थेलियम। यही है थेलियम स्ट्रेस टेस्ट या एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। रिपीट कर रहे हैं, थेलियम जो है वो हार्ट एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट के दौरान में हार्ट के थ्रू होने वाले ब्लड फ्लो को मॉनिटर करता है, ब्लड फ्लो का पता लगाता है, ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाता है। दूसरा एग्जाम्पल है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स में जिनका मेडिकल थेरेप्यूटिक्स में यूज है, और वो क्या है, आयोडीन 131। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था दोस्तों इसका, अभी हमने इसका नाम पढ़ा था, क्या हाफ लाइफ में लेकर के कितनी होती है इसकी हाफ लाइफ, रिकॉल कीजिएगा, अभी अभी बताया हमने 8 दिन की हाफ लाइफ होती है इसकी। पहली बात, आयोडीन का नाम आते ही हमारी बॉडी में यूज के हिसाब से, देखो आयोडीन का नाम आते ही मेडिकल में दो चीजें आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, एक तो आयोडीन से एलर्जी होती है काफी लोगों को, ठीक है जी, एक आयोडीन होता है किसके अंदर, दवाइयों के अंदर जो कि पेन ड्रेप करने में, दवाई में ड्रेसिंग करने में क्या यूज करते हैं भाई, आयोडीन यूज करते हैं, पोविडोन आयोडीन जिससे बीटाडीन का मेन कंपोनेंट है। तीसरी चीज, आयोडीन का हमारी बॉडी से रिलेशन क्या है, किसी बॉडी ऑर्गन से रिलेशन है क्या जी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, नाम क्या है भाई उसका, थायराइड ग्लैंड। पता है भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं थायराइड ग्लैंड का आयोडीन से सीधा सीधा रिलेशन है। तो इस आयोडीन 131 का यूज कहां पर है, थायराइड ग्लैंड के कैंसर में इसका यूज होता है। कैसे काम करती है भाई ये सबको पता भाई, इनका जो निगेटिव क्या था, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का निगेटिव क्या है, हमारी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है ये, बॉडी सेल्स में डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। दूसरी चीज, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को जल्दी से ट्रेस किया जा सकता है और उन्हीं की इन निगेटिव चीजों का फायदा उठा करके थेरापूटिक्स में, मेडिकल इमेजिंग में, रेडियो डायग्नोस्टिक्स में हम इनका यूज करते हैं। तो थायराइड कैंसर को ट्रीट करने में कैसे, थायराइड कैंसर में क्या हो गया, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की सेल्स हैं, तो इन ओवर एक्टिव सेल्स को क्या किया जाता है भाई, डिस्ट्रॉय किया जाता है, किसकी हेल्प से, आयोडीन 131 की हेल्प से। आई होप क्लियर, याद रखने पड़ेंगे दोस्तों आप लोगों को, आयोडीन 131, थेलियम क्या था भाई, थेलियम 201, क्लियर है, आयोडीन 131, थेलियम 201, ये एक्चुअल में है क्या भाई 131, ये इसका एटमिक मास है ना कि एटमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एटमिक मास है ये इनका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, पूछ ले एग्जाम में, क्या भरोसा मेरे जैसा कोई पागल बैठा हो एग्जामिनर्स। अब यहां पर एग्जाम्स के हिसाब से हम दो इंपोर्टेंट आइसोटोप्स और देखेंगे, एक है सीजियम 137, एक है इरिडियम 192। सीजियम 137 का यूज कहां किया जाता है और इरिडियम 192 का यूज कहां किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है इनको लेकर के भी। सीजियम सी, ठीक है ध्यान में रखिएगा, इसका यूज किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने में, सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने में, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनका इफेक्ट क्या है, बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसी निगेटिव चीज का फायदा पॉजिटिव वे में लिया जाता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। ऐसे ही इरिडियम 192 है, उसका यूज किस में किया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आई होप समझ रहे हैं आप। आयन, आयन का मीनिंग क्या होता है भाई, आयन का मतलब क्या है, कोई आयन्स कौन है, ये भी भाई एटम्स ही हैं, तो इनको आयन क्यों बोल दिया भाई, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले लें प्लस कर लें अपने में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें तो क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। आयन की सबसे सिंपल डेफिनेशन, एटम्स जब
इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें या फिर लूज करें, क्या बनाएंगे? या तो गेन करें या लूज करें, तो क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। अब क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने तो कैसा आयन बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कैसा आयन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की दृष्टि से समझते हैं हम इसको। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एक एटम है और इसकी जो टेंडेंसी होती है नॉर्मल में, ऐसा नहीं कि इसको जबरदस्ती हम चिपका दें इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी होती है अपने बाहर के ऑर्बिट को स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मतलब देखो, माइनस मैंने लिखा मतलब लूज करता है कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैंने यहां पर लिखा। हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और क्या बनाता है? हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, तो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, क्या बनाता है? Cl- बनाता है। यहां दोनों एग्जांपल्स देखिए दोस्तों आप, एक में जिसमें आयन गेन आयन लूज हुआ वो पॉजिटिव आयन बन गया, जिसमें आयन गेन किया वो निगेटिव आयन बन गया। कैसे याद रखेंगे? अब रट्टा मारना पड़ेगा कि सर जिसमें आयन रिसीव हो जाता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जिसमें गेन हो जाता है वो निगेटिव बन जाता है। नहीं, देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन ने यहां पर क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं दोस्तों, खेल किसका चल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। निकालने कैसी चीज निकाल दी? निगेटिव चीज निकाल दी। दोस्तों पर्सनल लाइफ में भी देख लीजिएगा आप, अपने मन से, दिल से, दिमाग से जितनी निगेटिविटी निकालते जाओगे उतने ही पॉजिटिव होते चले जाओगे। मतलब हाइड्रोजन ने अपने दिमाग से निगेटिव चीज को बाहर निकाल दिया, अपने में से निगेटिव चीज को बाहर निकाल दिया, तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बन गया। क्लोरीन की नेचर कैसी है? निगेटिव चीजों को रिसीव करने की है, तो क्या होगा भैया? देखो इलेक्ट्रॉन को लिया ना इसने, कैसे बनोगे? निगेटिव ही बनोगे, इतना ही गेम है दोस्तों। तो आयन कौन से, ये कैसे आयन हो गए भाई? पॉजिटिव आयन्स हो गए। ये कैसा आयन हो गया? निगेटिव आयन्स हो गया। पॉजिटिव आयन्स कब बनते हैं? जब कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और निगेटिव आयन कैसे बनते हैं भाई? जब कोई एटम जो है अपने आप के अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव आयन कब बना? जब इलेक्ट्रॉन लूज किया गया। निगेटिव आयन कब बना? जब इलेक्ट्रॉन गेन किया गया। निगेटिव चीज आपने गेन की तो निगेटिव बन गए, निगेटिव चीज आपने लूज कर दी तो क्या बन गए? पॉजिटिव बन गए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव आयन को क्या बोलेंगे और निगेटिव आयन को हम क्या बोलेंगे। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। और निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। याद कैसे रखें? दो ही तो चीजें हैं दोस्तों। पॉजिटिव वाले को क्या बोला हमने? कैटायन। देखिए दोस्तों, टी आर आई लुक्स लाइक पॉजिटिव, तो यही है दोस्तों पॉजिटिव वाले आयन। पॉजिटिव वाले आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। बचा हुआ कौन? निगेटिव आयन, उसको क्या बोल देते हैं? एनायन बोल देते हैं। क्लियर है? एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अब देखना यहां से और क्या क्वेश्चन आता है। आप सोडियम पोटेशियम के जो क्वेश्चन पढ़ते हो ना, वो देख लो, यहीं से आते हैं। आप सोचोगे सर हमने तो कहीं पढ़े थे, वो यहीं के क्वेश्चन हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं हम आपको बेसिक्स। अब ये कैटायन कहां पर भाई? सेल के अंदर भी है और सेल के बाहर भी है, ईसीएफ में भी है। कैटायन्स सेल के अंदर भी हैं, सेल के बाहर भी हैं, तो एनायन्स भी सेल के अंदर भी हैं और सेल के बाहर भी हैं। क्लियर है? कौन कहां पर है और कितना है देखिएगा थोड़ा सा। एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन, मुझे लग रहा है अब तक का सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन क्या? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मोस्ट अबंडेंट कैटायन कौन है, यानी कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव आयन जो होता है वो कौन सा होता है? कौन सा है भाई? आई होप सभी लोगों को पता है, पोटेशियम होता है। कौन होता है भाई सबसे ज्यादा? पोटेशियम होता है। तो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का कौन है भाई? इसी का भाई कौन? सोडियम। क्लियर है?
सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का मोस्ट अबंडेंट कैटायन है, तो पोटेशियम जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूड का मोस्ट अबंडेंट कैटायन है, याद रखना है। ये माफ नहीं कर रहा, अभी तक भी क्वेश्चन है वो आज तक आउटडेट नहीं हुआ है, ये आपस में कुछ भी आता रहता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, आईसीएफ का मोस्ट अबंडेंट कैटायन कौन सा है, पोटेशियम है। और भी कुछ है क्या इसके अलावा? यस, कैल्शियम भी होता है दोस्तों, मैग्नीशियम भी होता है। मैंने ऐसे क्यों लिखा है दोस्तों इनको, कैल्शियम जो है वो फिर ये नहीं है कि भी सबसे ज्यादा होता है या कैसा कितने नंबर पे। कैल्शियम कहां पर होता है दोस्तों? वो आईसीएफ के अंदर होता है ज्यादा। मैग्नीशियम कहां पर होता है? ईसीएफ के अंदर होता है। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है क्या, अगर अगर पोटेशियम केवल सेल के अंदर है और सोडियम सेल के बाहर है, तो सोडियम का तो चल गया, पोटेशियम सेल के अंदर है, तो जब आप सीरम वैल्यूज पता करवाते हो किसकी, सीरम कैल्शियम की, सीरम सोडियम की, पता है दोस्तों सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यूज क्या लिखते हो आप, 3.5 से 4.5। सोडियम की क्या लिखते हो? 135 से 145। ये 4.5 जो है दोस्तों काफी जगह पर आपको 5 भी लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किसको नॉर्मल माने हम। अब दूसरी बात यूनिट की आती है, दोनों की यूनिट एक ही होती है दोस्तों, क्या? मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। एक तो ये चीज दिमाग में रखना, इनकी यूनिट क्या होती है? मिली एक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरी बात कि सर पोटेशियम जो है ये तो सेल के अंदर है, तो आपको सीरम में कैसे मिला? इट डजंट मीन कि पोटेशियम सेल के अंदर सबसे ज्यादा है तो सेल के बाहर नहीं है। जी, यहां पर ईसीएफ के अंदर भी पोटेशियम होता है और ईसीएफ के अंदर सबसे ज्यादा सोडियम है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कैल्शियम सेल के अंदर नहीं होता। जी, सेल के अंदर भी सोडियम होता है। बात क्या थी? सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्लस वाला आयन है, कौन सा कैटायन है? पोटेशियम है। सेल के बाहर में सबसे ज्यादा कौन है? सोडियम है। अदरवाइज होते सब आपस में, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे हम डिस्कस करेंगे हम आगे। ये तो होगी बात कैटायंस की। अब बात करते हैं एनायंस की। एनायंस के अंदर, सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन है और सेल के बाहर सबसे ज्यादा कौन है? दोस्तों क्वेश्चंस आज तक यहां से भी आए। सबसे पहले तो ये देखना, सेल के बाहर में पॉजिटिव वाला आयन कौन सा था? सोडियम। तो सोडियम के साथ में कौन रहता है भाई? क्लोराइड रहता है। ये क्लोराइड एनायन है, माइनस वाला है तो एनायन है। क्लोराइड के साथ रहेगा तो कहां रहेगा? ईसीएफ के अंदर रहेगा। तो ईसीएफ का मोस्ट अबंडेंट एनायन कौन है? क्लोराइड है। दूसरी चीज इसकी यहां पर ही सीख लीजिए दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस का मोस्ट अबंडेंट एनायन कौन सा है? गैस्ट्रिक जूस का मोस्ट अबंडेंट, याद रख लीजिएगा यहीं से ही, गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है भाई एनायन में? क्लोराइड पाया जाता है। क्लियर है दो चीजें। अब सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन है, याद रख लीजिएगा इसको भी आप। कैसे बोले भाई? फॉस्फेट जैसा कुछ नजर आ रहा। अब एग्जाम्स में क्या लिखा हुआ आएगा? एग्जाम में अगर सिंपल ये लिखा हुआ जाए, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं फॉस्फेट, हालांकि ये फॉस्फेट नहीं है प्रॉपर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, फॉस्फेट आयंस लिखा हुआ जाए तो टिक कर देना। दूसरी बात, एक्यूरेट क्या लिखा हुआ आया? HPO4 2-, ये एक्यूरेट है। इसको क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोजन फॉस्फेट लिखा हुआ आ सकता है, या फिर लिखा हुआ आ सकता है बाई फॉस्फेट। हाइड्रोजन की जगह पर क्या लिखा हुआ आएगा? बाई फॉस्फेट। याद रखने आपको सारे नाम, और ये वो क्वेश्चन है जो कि मेरिट को डिसाइड करते हैं। आपको पता ही नहीं लगता कि यार क्वेश्चन कहां से आ गया। क्या पढ़ रहे थे हम? एनायन, मोस्ट अबंडेंट एनायन कहां पर? सेल के अंदर। कौन? बाई फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट या फिर फॉस्फेट, ठीक है। और ईसीएफ का सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन होता है भाई? क्लोराइड होता है। अब अगर एग्जामिनर इतना, आप जितना इंटेलिजेंट नहीं हुआ या आपको घुमाना चाहा, भाई इंटेलिजेंट की बात नहीं है, आप टैलेंट की बात नहीं है, वो इसको अगर ये लिख दे अकेला फॉस्फेट्स, तो भी आपको इसी को टिक करके आना। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर फॉस्फेट्स हैं। आप पढ़ोगे तो नॉर्मल में क्या पढ़ते हो भाई? फॉस्फेट। काफी बुक्स में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मोस्ट अबंडेंट एनायन ऑफ आईसीएफ कौन? फॉस्फेट्स, ऐसा लिखा हुआ। आई होप क्लियर होना चाहिए आपको ये चीजें सारी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक चीज और पढ़ेंगे दोस्तों, क्या? फ्री रेडिकल्स।
ये चीज क्या होती है भाई, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसका हमें हमारी लाइफ में यहाँ पर फिजियोलॉजी में मेडिसिन में इसका क्या यूज है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या है दोस्तों, ये भी एक तरीके के एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं, लेकिन कैसे एटम्स या मोलिक्यूल्स, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं। अब आप कहोगे कि साहब ये इनका नाम आयन क्यों नहीं रख दिया, बताते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं। ये जबरदस्ती वाला काम है दोस्तों, जो हमने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस बनाया था एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्लोरीन से क्या बनाया था भाई, क्लोराइड बनाया था एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, सोडियम से क्या बनाया भाई, सोडियम प्लस बनाया कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके दोस्तों। ये स्टेबल आयन्स हैं, ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल नहीं होते, जबरदस्ती चिपक जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर आकर के। एग्जाम्पल के हिसाब से लीजिए, ये देखिए ऑक्सीजन का मोलिक्यूल था और एक इलेक्ट्रॉन आकर के जबरदस्ती चिपक गया, अनपेयर्ड होता है दोस्तों। ये क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं केवल, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आकर के जबरदस्ती चिपक गया, ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स आते कहां से हैं, आप एडवर्टाइजमेंट तो बहुत देखते हो एंटीऑक्सीडेंट्स के, उसमें बोला भी जाता है फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या होता है आज हम आपको बताते हैं एक्चुअल में फ्री रेडिकल्स होते क्या है। हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं उनमें सब में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं दोस्तों, और जो चीजें हम कुछ एक चीजें खा रहे हैं दोस्तों इनके अगेंस्ट में, वो चीजें इनको फिर इनएक्टिवेट भी करती हैं, डिस्ट्रॉय भी करती रहती हैं। दिक्कत क्या है, जो आपके घर के अंदर ऐसा नेगेटिव पर्सन जबरदस्ती घुस गया, मैंने आपको पहले क्या बोला था, नेगेटिव को कभी भी घुसने नहीं देना, लेकिन फिर भी जबरदस्ती घुस गया, वो क्या करेगा, हमेशा डिस्ट्रक्टिव मोड में आएगा दोस्तों, वो डिस्ट्रक्टिव मोड में रहेगा आपके घर में, रिएक्टिव मोड में रहेगा, डिस्ट्रक्टिव मोड में रहेगा, आपके नॉर्मल सेल्स को खत्म करता है। और ये फ्री रेडिकल्स ही हैं जो कि नॉर्मल एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एजिंग का मतलब हम दिनों दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये फ्री रेडिकल्स ही हैं। आपको याद होगा या आपको ध्यान होगा दोस्तों, एजिंग से बचने के लिए लोग क्या खाते हैं भाई, एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं। क्लियर है ना, एड आता है ना दोस्तों, किसका, रिवाइटल का, बहुत सारे एड आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, मल्टीविटामिन होता है जिसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी ऑक्सीडेशन का अगेंस्ट में काम करने वाला ये फ्री रेडिकल्स एक्चुअली एजिंग कर रहे हैं। एजिंग का मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को ज्यादा बढ़ाते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसी क्या केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए, वर्ड्स ध्यान में रखने जरूरी है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जंग लगना दोस्तों, लोहे पे जो जंग लग जाती है ना वो किसकी वजह से लगती है, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी पानी की वजह से लगती है, और जब जंग लगने लग जाती है तो चीज खराब हो जाती है। एज के साथ साथ में हमारी बॉडी पे भी जंग लग रही है, और बॉडी पे जंग किसकी वजह से लग रही है, फ्री रेडिकल्स की वजह से लग रही है, क्योंकि वो रिएक्टिव मोड में है, डिस्ट्रक्टिव मोड में है। इनके लिए क्या तरीका भाई, एंटीऑक्सीडेंट जो कि कुछ हद तक हमारी इनके एक्शन को जो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं क्या क्या होते हैं, आप पढ़ते हो दोस्तों इनके नाम पढ़ते हो, देखो सिलेनियम, ये वाकई है दोस्तों सिलेनियम, जिंक कोविड में बहुत खाया लोगों ने, सिलेनियम जिंक। विटामिन्स में है क्या कोई एंटीऑक्सीडेंट्स, जी विटामिन सी एंड विटामिन ई दोनों के दोनों एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, क्या करते हैं इन फ्री रेडिकल्स को दबाने का काम करते हैं, रिएक्शन को रोकते हैं, इन फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन को रोकते हैं, इनके डिस्ट्रक्शन को रोकते हैं। होता क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आकर के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आकर के चिपक जाता है किसी एटम पर और मोलिक्यूल पर, तो इलेक्ट्रिकली तो चार्ज हो गया और आकर के जबरदस्ती चिपक गया, डिस्ट्रक्शन मोड में आता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया तो इसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वही है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर। मैक्सिमम ऑफ द फ्री रेडिकल्स कौन है, सुपर ऑक्साइड्स हैं, जो कि ऑक्सीडेट करते हैं बॉडी को, जंग लगा रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, इनको लिमिट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं, ठीक है। ये हम नॉर्मल फूड में भी खा रहे हैं, जिनकी बैलेंस डाइट नहीं है, जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती तो सप्लीमेंट्री भी खाना पड़ जाता है। एक ये नाम पढ़ा है दोस्तों हमने, ट्रेस एलिमेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर कुछ से एक एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस का मतलब भाई उसको ट्रेस करना है, खोजना।
जो चीजें खोजने से भी ना मिले, ऐसा नहीं है कि खोजने से नहीं मिलेंगी, जो चीजें खोजने से भी ना मिले वो होती है ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब बहुत ही कम। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स जो कि खोजने से भी ना मिले। जैसे कि कॉपर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम है, मैंगनीज जो है वो बहुत ही कम है, आयरन जो है वो बहुत ही कम है, ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर आता है कॉपर, मैंगनीज, फेरम यानी आयरन और जिंक, जो ये सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर हम इनको कंसिडर करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड टर्म है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आ जाती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या चीज है? एक तरीके के क्या है भाई, ये आयंस ही हैं। लेकिन फिर इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला? इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए बोला क्योंकि ये किसी वॉटर में मीन्स या कहीं पर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी का सोल्यूशन, पानी में घुले हुए आयंस को ही हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। समझ गए दोस्तों, पानी में घुले हुए आयंस को ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी साथ इलेक्ट्रो नाम इनके साथ में क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोल दिया हमने इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रॉल आता है दोस्तों, उसके अंदर क्या घुले हुए हैं? आयंस घुले हुए हैं। दोस्तों यहां पर ORS जिसको हम गलत तरीके से बोलते हैं या गलत तरीके से सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से बोलते हैं, कोई भी पूछेगा आपसे ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। ये सॉल्यूशन नहीं होता, ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हैं। सॉल्यूशन कब बनेगा? जब आप उसको पानी के अंदर घोलोगे। तो दोस्तों बड़ी गलतफहमी निकाल देना दिमाग से, और इसको आज के बाद में थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। व्हाट इज ORS? ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। पानी में घोलोगे तब वो इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, अदरवाइज अभी तक इलेक्ट्रोलाइट्स वो नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, आप जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, हमारे घरों के अंदर जो यूज करने वाला नमक होता है, कॉमन सॉल्ट है ये, ठीक है, टेबल सॉल्ट है ये। तो इस नमक के नमक को आप वॉटर के अंदर घोल दोगे, पानी के अंदर घोल दोगे, तो पानी के अंदर इसके जो सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और ये जो आयनिक फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इन आयन्स को हम सोडियम आयन्स नहीं बोलेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन गई है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, इस तरीके से इन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब पहले बोल रहे थे हम सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर घुल गए इसलिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से pH पढ़ेंगे, और pH के साथ में एसिडोसिस अल्कलोसिस पढ़ेंगे, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का या जो कि फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स में तो लगभग आता ही है, अब की बार पता नहीं क्यों नहीं आया, अदरवाइज हमेशा आता है, और जिसको लेकर के हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं ABG वैल्यूज को रीड करने में। हम उसको बहुत ही नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे कैसे करना, क्योंकि टॉपिक से साथ साथ हम चीज़ें क्लियर करते जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम फार्मेकोलॉजी शुरू करें क्या, तो कुछ एक डेफिनेशंस के साथ में हम फार्मेकोलॉजी शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि फिर हम बाय द टाइम हम ड्रग्स पढ़ें, क्योंकि जब अचानक से हम कार्डियोवैस्कुलर शुरू करेंगे और उसके साथ में अचानक से ड्रग्स शुरू करेंगे, तो कुछ एक बेसिक चीज़ें हमारी रह जाएंगी जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फार्मेकोलॉजी को भी हम आज से शुरू करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर ये एक नया इनिशिएटिव और सही इनिशिएटिव है टाइम के रहते हुए। फार्मेकोलॉजी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे दोस्तों आज की, मतलब जो भी हम बेसिक्स इसमें पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी जिनसे बना हुआ है, एक तो शब्द है दोस्तों इसके अंदर फार्मेकोन, और ये ग्रीक वर्ड है। एक है दोस्तों लोगी, लॉजी, लोगोस, जो भी समझिए इसका मतलब होता है वो दोस्तों हम सब में पढ़ते हैं स्टडी। और फार्मेकोन का मतलब शुरू में जो क्लासिक ग्रीक थी उसके अंदर बोलते थे हम इसको पॉइजन, पॉइजन से मिलकर के बना हुआ, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं उनको दवाइयां किसको बोलते थे, जो चीजें मार देती थी इंसान को ना, तो पॉइजन। लेकिन जो मॉडर्न ग्रीक है उसके अंदर इसका मतलब है ड्रग से। तो ठीक है, समझ में आया ना मैं कि फार्मेकोलॉजी में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? इन ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे फार्मेकोलॉजी में, और इन ड्रग्स का किसके साथ में, ड्रग्स को अकेले को थोड़ा ना डिस्कस करेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी की, हमारी ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है दोस्तों उसके साथ में क्या रिएक्शन है इसका, सॉरी रिएक्शन तो गलत शब्द बोल दिया, इन ड्रग्स का क्या इंटरैक्शन है किसके ऊपर, हमारी फिजियोलॉजिकल
प्रोसेसेस पर इन ड्रग्स का क्या इंटरेक्शन है उसमें उसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर हम इनको स्टडी करते हैं, मतलब ड्रग्स का स्टडी और इन ड्रग्स की हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर क्या इंटरेक्शन है, उनके साथ क्या इंटरेक्शन है, उसी को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो। अब आप बोलोगे कि सर इस ड्रग को भी बता दो, इसका मीनिंग क्या है, ड्रग्स सारी की सारी क्या है भाई, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस है सारी की सारी ड्रग्स। और कौन क्या हर किसी केमिकल को बोल दें क्या, जी नहीं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, या फिर उन्हें हम क्या कहें बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो चल रही हैं, उनको क्या कर सके, अल्टर कर सके। दोस्तों ड्रग्स जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन को नहीं बदलती, जबकि कैसे काम करती हैं, बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं उनको बदलती हैं, उनको चेंज करती हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो वहां पर रहेंगी तब तक वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को चेंज करती है, ना कि ऑर्गन के फंक्शन को बदलती है। ध्यान से समझिएगा आप इस चीज को, एग्जाम से क्वेश्चन आ जाएगा तो अटक जाओगे यहीं पर ही। ड्रग्स का काम क्या है, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेसेस को अल्टर करना। तो हमने ड्रग को डिफाइन कर दिया, केमिकल सब्सटेंसेस है, क्या काम करते हैं भाई बॉडी के अंदर चल रही फिजियोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेसेस को, बायोकेमिकल प्रोसेसेस को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब एक जनरल सी बात, फार्माकोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ क्यों रहे हैं, दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि यार दवाई हमने खाई कहां जा रही है, इंजेक्शन लगाया कहां जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ में, ठीक है। कोई दवाई दिन में 4 बार ले सकते हैं, कोई दवाई दिन में 2 बार ले सकते हैं, कोई 1 बार ले सकते हैं, कोई 7 दिन में 1 बार, कोई 21 दिन में 1 बार, किस तरीके से, कोई IM रूट से, कोई IV रूट से, कोई ओरल रूट से, या कोई इंट्राडर्मल, कोई सबक्यूटेनियस, या कोई जॉइंट्स के अंदर कैसे लग रही है भाई दवाइयां, कोई तो कारण है। दवाई अंदर जाकर के बॉडी के अंदर कहां कहां से कैसे कैसे गुजरती है, बॉडी के अंदर जो दवाई जाकर के बॉडी के अंदर ही रहती है या बाहर भी निकल जाएगी, बाहर निकलेगी तो कितनी देर में बाहर निकल जाएगी, और इसकी मतलब फिर बॉडी के अंदर कितनी देर तक वो रुकेगी। तीसरी चीज, कैसे बाहर निकलेगी, किस रूट से बाहर निकलेगी, किस रूट से हम लेंगे, इसके अलावा बॉडी की डोजेज क्या है, मतलब इसके अलावा उस ड्रग की डोजेज क्या है, डोजेज का मतलब कोई दवाई 100 ग्राम ली जाती है, कोई दवाई 100 मिलीग्राम ली जाती है, कोई 500 मिलीग्राम ली जाती है, तो उसकी ओवरडोज क्या है, ओवरडोज का मतलब कितनी मिलीग्राम तक हम उसको इस लिमिटेड टाइम के अंदर ले सकते हैं, ओवरडोज से ऊपर अगर डोज होगी तो क्या टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकती है हमारी बॉडी के ऊपर। तो इन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए ही हम फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए हम फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं दोस्तों। दिमाग में क्वेश्चन आपका क्लियर रहना चाहिए कि हम फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये सारी चीजें हमें इसी में मिलेंगी, इसी में लिखी हुई मिलेंगी हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। अब आज की क्लास में हम केवल 2 टर्म्स पढ़ेंगे दोस्तों, और वो 2 टर्म्स आपको आज के बाद में याद हो जाने चाहिए। क्या क्या भाई, एक तो फार्माकोडायनेमिक्स, आप बोलोगे सर पूरा क्यों नहीं लिखा, फार्माकोडायनेमिक्स ठीक है, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, और दोस्तों एग्जाम्स के अंदर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, सिंपली हमें याद नहीं रहता भाई, याद तो कर ली हमने फिर याद नहीं रहता, आगे के लिए हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कि डायनेमिक्स क्या थी और काइनेटिक्स क्या थी। इनमें से एक चीज तो क्या है, हमने दवाई खाई, देखो जब हम दवाई खाते हैं तो होता क्या है, एक तो हमने दवाई खाई, दवाई हमारी बॉडी के अंदर गई, जैसे भी उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी कुछ होगा इसके चार जो भी प्रोसेसेस होंगे हम पढ़ेंगे उनको, एक तो दवाई हमारी बॉडी के साथ में जाके क्या करती है दोस्तों, जब युद्ध होता है ना तो आपने दुश्मन के साथ में क्या किया, दुश्मन ने आपके साथ में क्या किया, मतलब दुश्मन के ऊपर आपने कितने तीर मारे और दुश्मन ने आपके ऊपर कितने तीर मारे, ये दोनों ही चीजें हैं डायनेमिक्स और काइनेटिक्स। तो डायनेमिक्स का मतलब तो क्या है और काइनेटिक्स का मतलब क्या है, अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। आज किसकी चीजें चल, किसकी बात चल रही थी दोस्तों, एक तो बात चल रही है ड्रग की, एक बात चल रही है बॉडी की, इंटरेक्शन इन्हीं दो के बीच में हो रहा है ना, दवाई खा रहे हैं तो हम, कोई दवाई हम ले रहे हैं तो इन्हीं के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है, ड्रग और बॉडी के बीच में, तो कौन किसके साथ कर रहा है, उनमें से एक डायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है, डी फोर ड्रग, आएगा समझ में, यानी कि कोई दवाई खाने के बाद में वो हमारी बॉडी के साथ में क्या करती है। शब्दों में डिफाइन करें तो देखिएगा आपको, व्हाट डज, किसकी बात कर रहे थे डायनेमिक्स में, ड्रग की, व्हाट डज ए ड्रग,
टू आर बॉडी, इसकी जिसमें हम स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स, या उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोडायनेमिक्स। यानी कि कोई दवाई हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है उसे हम बोलते हैं डायनेमिक्स। इसके उलट क्या भाई, व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग, दिस इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स सिंपल शब्दों में कहें दोस्तों, रिपीट करें कि दवाई खाने के बाद में दवाई ने बॉडी के साथ में क्या किया उससे हम कहते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। दवाई खाने के बाद में आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ में क्या किया उसे हम बोलते हैं काइनेटिक्स। इसको याद रखने का एक तरीका और बताता हूं, अगर समझ में आता है तो, थोड़ा सा लेंदी है, समझ में आता है तो। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम फिजिक्स में दो तरीके की एनर्जी पढ़ा करते थे, एक काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या था भाई, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा। मतलब कि कोई दवाई आपने खाई बॉडी के अंदर गई, बॉडी ने उसको कहां कहां भेजा, कहां कहां भेजा बॉडी के अंदर, पहले पेट के अंदर गई, पेट से सर्कुलेशन में आई, सर्कुलेशन से लीवर के अंदर गई, लीवर से कहां पर गई दोस्तों, ये सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। हमारी बॉडी कर रही है ना, हमारी बॉडी बता रही है उसको, किसको, ड्रग को, यहां जाना है, इधर से जाइए, फिर पहले लेफ्ट लियो, फिर वहां से राइट लियो, वहां पर एक चक्कर आ जाएगा, वहां से एक बार घूम जाइयो, राइट में मुड़ जाइयो, और वहां से सामने देखियो, वेट करियो, थोड़ा सा रुक जाइयो, लीवर है ना वहां पर, थोड़ा सा रुक जाइयो, ज्यादा जल्दबाजी मत करियो, और उसके बाद भी तेरे को बताया जाएगा कि आगे तेरे को बंदा मिलेगा, कहां जाना है, दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। और बॉडी ने हमारे ऊपर और ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ में क्या किया, दैट इज फार्मेकोडायनेमिक्स। दोस्तों आप बोलोगे सर छोटी सी डेफिनेशंस के साथ में आपने खत्म किया, और तीन चार चीजें बताई हमने, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने बताई, डिस्कस की हमने फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट हमसे। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम्स में सिलेक्शन कैसे होगा, अब से पढ़ोगे तो होगा, अदरवाइज भूल जाइए, कोई वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ्स की कोई स्टडी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बहुत ही जल्दी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, आपको स्ट्रेटजी प्लान के बारे में बताएंगे कि आप कैसे स्टडी करें और कैसे किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। समय हो रहा है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।